खरगोन शहर में आनंद विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम मनाया गया। अनिल कुमार दंदेलिया तृतीय अपर न्यायाधीश खरगोन आनंद विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विचार रखते हुए तृतीय अपर न्यायाधीश अनिल कुमार दंदेलिया ने उक्त विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने पर्यावरण प्रेम की बात कही। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि नेहरू युवा केंद्र खरगोन की जिला समन्वयक पूनम कुमारी थी। जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम नोडल अधिकारी इतिशा जैन के नेतृत्व में मनाया गया। आनंद क्लब सदस्यों द्वारा आनंदकों के सहयोग से स्वामी विवेकानंद सभागार में 5 जून को आयोजन किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्पमालाओं व आम के पौधे भेंट कर किया गया। जिला समन्वय आनंद विभाग के केवी मंसारे ने पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखते हुए बताया कि मानव द्वारा ही निजी स्वार्थ के नाम पर पर्यावरण और पवित्र नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। कोविड काल उदाहरण है। लॉकडाउन में मानव संपर्क से दूर रहने पर नदियों का जल स्वच्छ हो गया था। भौतिक सुख पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में 50 छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण पर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई। न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से युगांश पाठक ने प्रथम विजेता पुरस्कार गिफ्ट प्रमाण पत्र प्राप्त किया। द्वितीय अक्षता जायसवाल, तृतीय पुरस्कार कनिष्का मकासरे ने जीता। निर्णायक आनंद क्लब के लखनलाल पगारे, अंशुल भाल से, वर्षा दसौंधी, शालिनी गावशिंदे, आशीर्वाद जैन, अंकिता जैन थे। पर्यावरण पर काम करने पर सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण भोसले का शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चैन सिंह डावर, रमेश चक्रवर्ती, अर्जुन वर्मा, राहुल गाड़गे, काजल यादव का सराहनीय सहयोग रहा। चूंकि आज पूरे विश्व में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इसी कड़ी में हमारे खरगोन जिले में भी जिला स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद सभागृह में आज यहाँ पर माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय दंडेतिया साहब के मुख्य अतिथि में मनाया गया, जिसमें प्रतीक के रूप में पौधे भेंट किए गए एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी वितरण किए गए और सभी को सांत्वना प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। डीजीएनआर न्यूज़ ने मार रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएनआर न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।